हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आज हम बात करेंगे आधा एचपी टीलू पंप मोटर वायरिंग के बारे में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं आधा एचपी मोटर वायरिंग का डेटा और कौन सा आपको वायर लगाना है, कितने टन लगाने हैं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना। जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए वो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप जो ये मोटर देख रहे हो ये आधा एचपी की मोटर है और आज मैं इसे वायरिंग करने वाला हूँ और आपको साथ में डेटा भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मोटर की बात कर लेते हैं। इसकी नंबर प्लेट है 0.37 किलो वाट, 0.5 HP और 2800 RPM। साथ में जो कैपेसिटी हम लगाएंगे वो 10 MFD का लगा हुआ है और 2.6 एम्पायर की ये मोटर है। चलो, ये बात हो गई इसकी कैपेसिटी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टेटर की। तो दोस्तों, इसका जो स्टेटर है वो होगा 55 mm का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी रनिंग की वाइंडिंग के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं इसमें जो वाइंडिंग में जो डेटा लगाने वाला हूँ वो होगा, मतलब चार कोयलों का हमने इसमें सेट बनाएंगे, ठीक है। चार कोयलों का इसमें हम सेट बनाएंगे और इसमें जो टर्न हम लगाएंगे वो होंगे 85 टर्न और वायर होगा 24 नंबर, ठीक है। 24 नंबर वायर से हम 85 टर्न इसमें लगाने वाले हैं और चार कोयलों का एक सेट बनाने वाले हैं। इस तरह से हम इसकी वाइंडिंग कर देंगे रनिंग की, ठीक है। तो मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ एक कोयल कैसे हमको डालना है उस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने पहली कोयल डाल रखी है, आप देख सकते हो बीच में चार पीच छोड़ा है और 1 से 6 में इसकी वाइंडिंग की है। तो आप देख सकते हो पहली कोयल मैंने इस तरह से डाली है इसमें, और जो फर्स्ट वाला जो सिरा है वो आपको लेफ्ट की तरफ रखना है जैसे वीडियो में बताया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इसका पहली जो कोयल है वो डाल दिए। तो आप देख सकते हो मैंने पूरी जो पूरा सेट है रनिंग का वो डाल दिया है। चार कोयल, चार पॉइंट मैंने बीच में छोड़ रखा है जो स्टार्टिंग आने वाली है, ठीक है। और 1 से 6 में, 1 से 8 में, 1 से 10 में, 1 से 11 12 में इसको वाइंडिंग करेंगे रनिंग की, ठीक है। इस तरह से एक सेट और डाल देंगे रनिंग का। तो दोस्तों, मैं एक सेट डाल के आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मैंने कम्प्लीटली रनिंग के दोनों सेट इसमें डाल दिया ऑलरेडी, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, अब बात आती है स्टार्टिंग के बारे में। तो स्टार्टिंग में आपको मैं बता दूं, 27 नंबर में वायर इसमें लगाने वाला हूं और जो टर्न होंगे वो 140 टर्न होंगे। 27 नंबर के 140 टर्न इसमें लगाएंगे और दो कोयलों का एक सेट होगा, ठीक है। इस तरह से हम दो सेट बनाने वाले हैं और स्टार्टिंग इसमें डालने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हो गई स्टार्टिंग की बात। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो दोस्तों पे एक लाइक कर देना और जो भाई नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाले अपडेट आप तक पहुँच सके।